आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ करके राम राम प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण ये रहा कि आने वाली 18 तारीख को जींद की पुरानी अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी बदलाव रैली होने जा रही है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सांसद और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मुख्य अतिथि है। और जैसे ही हमने इस बदलाव रैली का प्रचार प्रसार शुरू किया और हल्का जींद की ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की पूरी जनता ने एक विश्वास दिलाया कि बहुत भारी संख्या में आएंगे, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है इसकी जनविरोधी नीतियों से हर वर्ग आज दुखी है। और उसको देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व में और उसके अंदर हमारे जो सांसद हैं कुमारी शैलजा जी, वो भी इसमें पहुंचने का काम करेंगी और उनके साथ हमारे दो कार्यकारी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और पूर्व विधायक भी पहुंचने का काम करेंगे। हमारी महिला की कांग्रेस की प्रदेश की प्रधान भी इसके अंदर पहुंचेंगी, क्योंकि इस जींद के ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक मन बनाया है कि जींद का जो पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि लंबे समय से जींद के अंदर कोई सुविधा नहीं है। पिछले 10 साल से तो केवल घोषणाएं होती हैं और ये मौजूदा जो सरकार है इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे दो सांसद यहाँ जींद की धरती से अनाज मंडी से हुंकार भरने का काम करेंगे। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जींद से एक आवाज उठती है सरकार बदलने की, और वह आवाज का उठाने का काम करेंगे। और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे 90 में से 70-75 सीट आने का हरियाणा प्रदेश के अंदर काम होगा और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी भारी रैली होगी। पीटी के लिए, शहर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उसमें एक भागी बने और उसमें आप योगदान डालें और अधिक से अधिक पहुंचने का काम करें। आप गांव में जा रहे हैं, 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस ने जीती, अब लोगों का क्या रिएक्शन है कांग्रेस से? देखिए, ये तो एक उदाहरण था, एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियां हैं जिससे हर वर्ग दुखी है, उसका जवाब वोट की चोट से जनता ने देने का काम किया। और इसी प्रकार से आने वाले विधानसभा में 90 में से 70 सीट देने का हरियाणा प्रदेश की जनता काम करेगी और अपने भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए की कामना करेगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। क्या बड़ी समस्या? जी बिल्कुल सही वाजिब बात है आपकी, ये मौके की बात अभी आपने पूछी कि जींद की जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या पीने का पानी। यह हमारी कॉलोनियों में बहुत खारा पानी है, राम कॉलोनी हो, दूसरी कॉलोनियां हो, सभी के अंदर हमारा पीने का पानी खराब है। और पिछले 5 साल से केवल नारियल फोड़े जाते हैं और ढंगोसड़े किए जाते हैं, अखबारों में दिए जाते हैं, भाखड़ा का पानी आ रहा, भाखड़ा का पानी आ रहा, आज तक तो एक घोट पानी जींद के अंदर आई नहीं, वही खराब का पानी। दूसरे स्वास्थ्य की जो आदमी कहता है और सरकारी में केवल घोषणाओं में, रजिस्टरों में वो लागू करती है, दवाई की लाइन बहुत लंबी है। हमारे 56 डॉक्टरों के पद यहाँ मंजूर है लेकिन केवल 18 डॉक्टर यहाँ जींद के अंदर है और बेचारे मरीज दवाई लेने के भी लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगे रहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सबसे जरूरी है शिक्षा, शिक्षा का कोई कोई व्यवस्था नहीं। और शिक्षा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई, केवल उसके आधार पर ये काम कर रही, वो काम कर रही है और शिक्षा के लिए कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया इन्होंने। केवल जो कांग्रेस पार्टी ने कन्याएं पाठशालाएं बनाई थी उनको भी मर्ज करने का काम किया। जब तक शिक्षा ना होगी तो जवान बच्चे हमारे रोजगार नहीं करेंगे। और यहाँ उद्योग धंधे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार आएगी, हमारी पार्टी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि हमारे जींद के अंदर जिस प्रकार से हाईवे है उनके आसपास उद्योग जगत स्थापित करके हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगी और विदेशों में जाने से जो पलायन है उसको रोकने का काम करेगी। मोड़ पाएगी अपनी तरफ बीजेपी? देखिए, यूथ कहां मोड़ पाएगी, उन्होंने कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ प्रदेश के अंदर हमारे अपहरण फरौतियां रोजाना होती है और हमारे जवान भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। यदि ये जो मैंने बातें आपको बताई, यहाँ रोजगार होते तो नशे की तरफ नहीं जाते।
नशा एक ऐसी लत है जो जवानों को भटका रहा है, और कांग्रेस पार्टी की जैसे सरकार आएगी हमारे ये घोषणाएं हैं कि नशाखोरी करने वालों को नजदीक नजदीक नहीं फटकने देंगे, और जब रोजगार उपलब्ध कराएंगे जवानों के लिए तो स्वयं उस तरफ ये हमारे जवान लगेंगे और नशे से बचेंगे। क्या एक स्टेज पर कांग्रेस से दिखाई देगी सभी नेता? ये कांग्रेस तो है ही एक स्टेज में, ये तो एक प्रचार मात्र है, कांग्रेस एक है, हमेशा एक रही है, और जैसे ही विधानसभा चुनाव अलग से आवेदन ले रहे हैं, हुड्डा जी अलग से आवेदन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी हुई है। कांग्रेस एक है भाई साहब, लोकसभा चुनाव हुए थे, सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे कैंडिडेट थे, पूरी कांग्रेस ने इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ा, सोनीपत लोकसभा में भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी। हर नेता की अलग अलग जिम्मेवारी है, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव है, वो कर्नाटक के प्रभारी हैं, शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो छत्तीसगढ़ की और प्रभारी हैं, इस प्रकार से हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य। कांग्रेस एक है, एक स्टेज पे भी आएगी, और भारद्वाज साहब के जो आयोजन में रैली है उस रैली के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर 9 महासचिव हैं पूरे देश में, उसके अंदर से 2 महासचिव जींद में आएंगे, पुरानी अनाज मंडी में, और जींद की आवाज को बुलंद करेंगे, वो हरियाणा के सचिवालय में भी सुनाई देगी और वो दिल्ली के दरबारों में भी सुनाई देगी वो आवाज। कांग्रेस और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, 70+ सीटें नहीं, कहां और कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बन रहा है, जनता नहीं, नहीं, बदलाव भी कर सकती है। भाई साहब कोई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस की अलग अलग कमेटियां बनी हुई है, भारद्वाज साहब भी चुनाव कमेटी के सदस्य है, अभी हमारे साथी अशोक मलिक जी बैठे थे, वो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं हमारे, जिन से ही और भी बहुत सारे साथी हैं, हम हर वर्ग की आवाज को लेकर के चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, जींद जिले की 500 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मैं लाजुन की ढिल्लो, जींद जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस से, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने अभी प्रश्न उठाया कि जींद का अंदर विकास के बारे में, तो मैं सबसे बड़ा तो मुद्दा ये उठाऊंगी कि जींद को एक NCR के अंदर ले तो लिया गया है, लेकिन जींद के क्या NCR के अकॉर्डिंग कोई काम किया गया है? क्या यहाँ कोई नया उद्योग लगाया गया पिछले 10 साल के अंदर? यहाँ पर ऐसी कोई भी उद्योग नहीं आया, ना ही कोई ऐसा कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, या तो हमारे बच्चे दिल्ली तक तो पहुँचने में बड़ा असमर्थ है, क्योंकि इतना लंबा रास्ता अगर बच्चा सुबह निकलता है, हमारा कोई नौजवान सुबह यहाँ से निकलता है तो शाम को दिल्ली से वापिस आने में भी शायद रात के 12 बज जाए, और 12 बजे आपको पता है कि एक असुरक्षा की भावना महसूस करता है बच्चा। तो हम चाहते हैं कि अगर जींद को या तो NCR से बाहर ही निकाले, या NCR के अंदर ले, हम खुश हैं इसके लिए, लेकिन उसके लिए उद्योग तो स्थापित करे, उसके लिए उस विकास तो करे जींद का, वो तो हो ही नहीं रहा। तो ये पिछले 10 साल में चाहे जितनी आपने कहा कि कितनी घोषणाएं तो होती है, लेकिन लागू कहाँ होती है? एक मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि घोषणाएं तो अभी नई घोषणाएं तो पिछले 10 साल से होती रही, 9.5 साल से घोषणाएं, 33% महिला आरक्षण के लिए पारित कर दिया गया लेकिन लागू नहीं हुआ, तो क्या महिलाओं का इसमें कोई दोष था? महिला तो चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखती है, सबको लाभ मिलता है, जैसे कि अब महिला है सरपंच के लिए करती है, क्या उसमें ये देखते हैं कि किस पार्टी से संबंध रखती है? तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, पार्टी विशेष को न देख कर ये देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति लाभ कहाँ से लेगा। तो मैं सभी को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आने वाली 18 अगस्त को हमारे आयोजक रघुवर भारद्वाज जी और हमारे सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे जो भी मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी आवाज में हम सब इकट्ठा खड़े होकर हम चाहते हैं कि हमारे जींद का विकास हो और एक अच्छा जींद को हम देखना चाहते हैं। 18 अब ये देखो ये विकास हो रहा है जींद का। और हमारे जो सीवर योजना अमृत योजना के तहत दबाई गई थी करोड़ों रुपए की, उसके अंदर विधानसभा में सवाल उठाने वाला कृष्ण मिड्डा था, आज वो कैसे पाक साफ हो गई भारतीय जनता पार्टी? इतना भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, यहाँ पब्लिक तो करती थी लेकिन पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही थी, और उसका विधायक ने भी उठाया, उसकी जांच भी हुई, आज उसका रिजल्ट कहाँ है? कोई उसका रिजल्ट नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ गई वो जांचें? और घोटाले वाला सरकार है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, और चाहे पेपर लीक घोटाला हो, हमारे जवान जो भाई तैयारी करते हैं पेपर की, वो पेपर लीक करके लीक करवा करके अपने चहेतों के द्वारा पैसे ऐड करके और वो पेपरों को रद्द करवा देते हैं,
और हमारे जवान जो अग्निवीर योजना इन्होंने लाए उसमें भी बेचारे खाली बैठे, जो प्रैक्टिस वगैरह करते थे, आज कोई जवान मिलिट्री फौज की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। जवान विरोधी, किसान विरोधी, पहलवान विरोधी, और ये सरकार है इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए जींद की धरती से हमारे दो दो सांसद, हमारे सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी और दोनों हमारे कार्यकारी प्रधान हरियाणा प्रदेश के और विधायक और पूर्व विधायक और हमारी प्रदेश की महिला की शक्ति जो है जैसे जैसे आयोजक 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 बनाया गया और मैं जैसे जैसे गांव में शहर में जाता हूं हर वर्ग मेरे को बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और एक बहुत बड़ी जनसलाभ उमड़ेगा। और मेरी आपके माध्यम से सभी भाइयों से प्रार्थना हाथ जोड़ करके आकर के उस जनसलाभ का नजारा ले और उसको भारी जलसे को बदलाव रैली को देखने का काम करें। और ये अपने देखिए कांग्रेस का दावा तो हर प्रत्याशी जो है हमारा जो कैंडिडेट होता है हर का अधिकार है, जो काम करता है जिस पार्टी के लिए वो चाहता है कि मुझे मौका मिले काम करने का, लोगों की सेवा करने का मौका मिले। और हमारा हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को टिकट देती है, उसी को मतदान में उतारती है और बाकी सभी साथी उसके साथ मिलकर काम करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये गुटबाजी कितना नुकसान करेगी, कोई रणदीप सुरजेवाला का आपका कोई उम्मीदवार उनके साथ नहीं था कोई कार्यकर्ता? देखिए गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है हमारे हरियाणा प्रदेश में, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो केवल प्रचार के लिए कोई बातें हैं। और आप अपना काम आप अपनी दिशा में हर व्यक्ति करता है, जिस दिशा में जो कार्यक्रम दिया होता है वहां उसको पहुंचना जरूरी होता है। यदि एक ही तरफ सारे चलेंगे तो कैसे कवर होगा, नजदीक चुनाव है और अलग अलग दिशा में काम, जब से मैं आता जब एक पाते हैं चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं कांग्रेस का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है लेकिन सरकार की घोषणाएं भी डबल स्पीड से बढ़ रही है, हर रोज दो चार नई घोषणाएं हो रही है, क्या चुनाव पर असर पड़ने हाँ गिल साहब एक बात बहुत अच्छी आपने पूछी, क्योंकि पिछले 9.5 साल में यहाँ ऐसे पूर्व के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हमारे सभी वर्गों को दुखी किया, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो और मजदूर हो, किसानों को अलगाववादी, उग्रवादी, आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहने का काम किया। और जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ अन्याय उन्होंने किया उनको उनके देखते हुए इस सरकार ने मुख्यमंत्री बदल करके केवल झूठी घोषणाएं कराने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पद सौंपा और आज वो केवल घोषणाएं मात्र हो रही हैं, केवल 2 महीने के अंदर कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं कि उनको लागू कर दे। और लागू करेंगे तो आज इस प्रकार से जीरी की बात है और की बात है तो उनको भाई बहुत काफी समय है, और जो जो घोषणाएं हो रही है वो केवल घोषणाएं मात्र है, वो धरातल पे नहीं होती। पिछले दिनों जिनके विधायक मिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, गरीबों के बच्चे लगे बगैर खर्ची के, जो पहले की सरकार थी पैसे लेकर बच्चे लगते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता, ये सिर्फ मैं बताती हूँ इसमें क्या था, जो मोटी जो सॉरी बड़ी जो नौकरियां होती है उसके अंदर मोटा पैसा लिया गया है, ये ग्रुप डी के अंदर मामूली सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जहां हुआ है उस ग्रुप डी में इतना कोई ना तो ऐसा किसी को पैसा मिलता ना वहाँ कुछ, उसमें भी अंडरग्राउंड देते ना तो मैं बताती हूँ जहाँ नीचे जहाँ भी है वहाँ यहाँ बोलती नहीं सरकार में, ये बड़ी समस्या है कि यहाँ बाहर कुछ नहीं बताया जो होता अंदर है। जैसे अभी आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में जहाँ यूं लगता दिखाई दिया कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है वहां पर ईडी बता दी जाती है, तो इसका आप मत मानिए कि यहाँ पर बिना खर्ची पर्ची का काम होता है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि इतनी चरम सीमा पर चला गया है कि लोग एफर्ट भी नहीं कर पा रहे। मैडम 3 में बड़ी जनसभा रखी गई है अलग अलग चल रहे हुड्डा ग्रुप नहीं, ये देखो ऐसी बात है, ऐसी कोई अलग बात नहीं है, अगर अगर एक ही जगह रहेंगे तो पूरा कवर कैसे कर पाएंगे, ये कोई बात नहीं, 3 जनसंघ का होगा तो इकट्ठा भी करेंगे,
अलग अलग में प्रचार करेंगे, जैसे हमारे प्रचारक हैं, हमारे साथी हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो कुछ इस दिशा में जा रहे हैं, कुछ इस दिशा में, कुछ इस गांव में कर रहे हैं, कुछ शहर में कर रहे हैं, ये तो होता ही हमेशा। अलग अलग एक दिशा में चलेंगे तो कैसे कवर कर पाएंगे। लगातार का जो जो नेता जिसका आगा अपनी प्रतिस्पर्धा की बात होती है, इसमें कोई बात नहीं होती, जो जिसके साथ चलता वो चलता ही है।